हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। तो ये है हमारी जो पुरानी वॉशिंग मशीन जो आज तक आप हमारी वीडियो में व्लॉग में देखते रहते थे। तो ये है वर्लपूल की। तो ये बहुत ज़्यादा बीच बीच में ख़राब होने लग गई है, तो इसको हम लोग अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। तो आप लोग भी ये लास्ट बार ही इस वॉशिंग मशीन को देख रहे हो हमारी तरह, तो मुझे लगा चलो इसकी मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। एक यादगार है, इसने हमारा बहुत साथ भी दिया है और कुछ सालों से बहुत ये हमें दुख देने लगी थी, कष्ट देने लगी थी। और अभी आ गई है हमारी ये न्यू वॉशिंग मशीन जो कि LG की है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल डेमो दिखाने वाले हैं इसका, पूरा डिटेल से अच्छे से। स्टैंड भी होगा साथ में? नहीं, क्या होता सोचा था अंदर। हाँ, इसमें साइड में पहना दो, ठीक है जाते उस गेट में निकल जाएगी। प्लेट के ऊपर पैर रखूं? जब डस्ट होगी तो यहाँ पे रुक जाएगी। अच्छा, इसको साफ कर देना, निकाल निकाल के, है ना? 15 से 20 दिन में वर्लपूल वाली लग जाएगी वो वाली, जो इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता सर। एक टब क्लीन का वो आता है केमिकल, वो डाल दो। केमिकल तो है, वो स्टील वैन उसका रखा हुआ है। और इसमें जो सर्फ है वो नॉर्मल सर्फ यूज कर सकते हैं ना? मैटिक लिक्विड वाला ही? नहीं, मैटिक मैटिक में आता है मैम, दोनों में आता है, लिक्विड में भी आता है, वैसे भी आता है। अच्छा, सबसे पहले उसको खोल। यही होते चलना भी है। अब जैसे कह रहे हो कि नीचे स्टैंड नहीं, व्हील नहीं लगाना है उसको, अगर यहाँ से वहाँ खिसकाना तो क्या? अब खिसकाने नहीं है सर, फिक्स रहती है। नहीं, फिक्स है सपोर्ट। हाँ नहीं, मतलब कि सपोर्ट जैसे आप इधर उधर कर रहे हो ना, तो व्हील व्हील वाला होता तो अच्छा रहता ना। व्हील वाला लगाने नहीं है, ये घूम जाएगी आपकी मशीन इसके पीछे से, मशीन ही घूम जाएगी सर जब चलेगी, पहुंचेगी आपकी मशीन, क्योंकि जो RPM है ना इसके 1400 वाला है। हाँ, तो एक मिनट में 1400 राउंड घूमेगी। आप फिर लगाइए सर, इतनी स्पीड से डिटर्जेंट इसमें डालना है आपको कपड़ों के अकॉर्डिंग। ज़्यादा डालते तो ज़्यादा ले लेगी मैम मशीन, जिस हिसाब से कपड़े उस हिसाब से डालना है। सॉफ्टनर इसमें डालना है जो आप चमक के लिए डालते हैं मैम। यहाँ से आप ऑन करोगे, ये लूज है सर आपका, यहाँ से आप ऑन करोगे मैम, पावर के बटन आप इधर देख लो, यहाँ से आपको ये पावर का ये ऑन होगी मैम मशीन आपकी। सबसे फर्स्ट हमारे कॉटन, जो हमारे कॉटन वाले कपड़े होंगे, कॉटन लार्ज, जैसे बेड शीट पर्दे वो ज्यादा गंदे होते हैं, तो आप कॉटन लार्ज में दोगे। ठीक है। मिक्स पे जो डेली वेज वाले कपड़े होते हैं आपके, इजी केयर पे जो हल्के कपड़े होते हैं,
ये बेबी के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके में कीटाणु ज्यादा होते हैं, तो ये स्टीम के द्वारा डालेंगे। जैसे इसमें स्टीम चलेगी ना कॉटन में, ऐसी इसमें स्टीम चलेगी जी। स्पोर्ट्स वेयर लोअर टी सेट, डेलिकेट साड़ी सूट सितारे कढ़ाई वाले, ठीक है। वुलन जो आपके सर्दियों वाले कपड़ों में, क्विक 30 जैसे पार्टी वगैरह में गए ओनली स्मेल है कपड़ों में, वो आपको वॉश करने हैं तो ओनली स्मेल है, आप गंदे नहीं है ज़्यादा, तो आप वो क्विक 30 में धो सकते हो। 30 मिनट्स में आपके तीनों चीज करके दे देगी। बहुत रिंस और ड्रायर, ये रिंस प्लस स्पिन, रिंस प्लस स्पिन का ये है जी, जैसे वाइट कपड़े नहीं धोना चाहते आप, इसमें बाहर से धो लो, ओनली रिंस और ड्रायर करने, मतलब खंगालने और सुखाने, तो वो इसमें कर सकते हो आप, ठीक है जी। आप किसी भी हेड पे करके स्टार्ट का बटन लिया। अगर आपको ओनली ड्रायर ड्रायर करने कपड़े, ओनली सुखाने, ऑन करके स्पिन रिस्टार्ट। स्पिन का अलग से यहाँ पे, मतलब स्पिन के यहाँ ना देगा कि इसने यहाँ दिया हुआ है सर, इनके साथ होगा सारी चीज, लेकिन अलग से करना है। अलग से जैसे बारिश में भीग गए या फिर बहुत सारे कपड़े कलर्स के होते हैं जो अलग हाथ से धो लिए वो करने के लिए, ठीक है जी। ये जैसे आपने किसी पे भी करा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा इसका, आप भी कर सकते हो, जितना आपको गर्म पानी चाहिए वैसे ऑटोमेटिक है सर, ये एक्स्ट्रा दे रखा है अगर आपको करना है, ठीक है जी। ये आपकी मशीन वीक में कितनी बार होगा? तो मैं मैक्सिमम एक से या मैक्सिमम दो बार जाएगा, दो बार, तो आपको हर 3 महीने के बाद इसका टब क्लीन करना है। टब क्लीन कैसे होती है? यहाँ से आपने ऑन करा, ये टाइम डिले और ये प्री वॉश वाला बटन है सर, इनको एक साथ दबाना। अच्छा, टाइम डिले और प्री वॉश एक साथ दबाना, 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे, इस पर लिखा भी हुआ है। अच्छा ठीक है, टब क्लीन फंक्शन, तो आपका TCL लिख के आ गया, इसका मतलब टब क्लीन। ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी करना है। हाँ जी, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैम। अच्छा ठीक है, इसमें आपको एक केमिकल डाल देना है, वो डीस्केल पाउडर आता है, और आपको चला देनी खाली मशीन, जो भी इसमें इंटरनल गंदगी होगी और स्केलिंग होगी वो सारी क्लीन, ठीक है जी। ये फंक्शन था आपकी मशीन, मशीन रेडी आपकी, आप कपड़े धो सकते। इसका बिल चाहिए? चलो जी, इसका आउटलेट लग गया? आउटलेट, आउटलेट को उसको खोलना या ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको? यहाँ से नहीं खोलना, बस मतलब ऊपर ही ऊपर रह के नीचे ले जा सकते हैं ऐसे। आउटलेट में पंप, उसमें होता है क्या? पंप इसलिए होता है, पंप है जी इसमें, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं खोलना है आपको, क्योंकि अगर आपने वो खोल दिया ना तो पानी अपना आप निकलता रहेगा। तो इसका जिससे लेंथ सब छोटा है उसको आप अटैच कर सकते हो सर। अच्छा, कोई भी पाइप जैसे हमारे पास ये वो तो ये वाला नहीं होगा मैम, इसका वो इतना ही है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं सर। अच्छा, जिससे मशीन इसकी जो सस्पेंशन पे रहती है पूरी। अच्छा, वो अभी आपने निकाला इसको? हाँ जी सर। अच्छा, ये होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा अच्छा, केजी के लिए नियम है, कितनी केजी के लिए नहीं, वो ड्राई कपड़ों का रखता है, सूखे कपड़ों का। अच्छा अच्छा ठीक है। और उसमें ये है कि सर जैसे आप बेड शीट वगैरह धो रहे हो ना, तो उसके साथ आप नॉर्मल कपड़े मत। अच्छा हाँ, एक तरह के कपड़े एक साइड, एक तरह, इसलिए ही मैंने बताया था कि आप इस पे ये चीज धोइए और इस वो क्लीनिंग अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंग ना होगा क्योंकि सर वो बड़ा कपड़ा हो गया, उसके साथ आप छोटे डालो तो वो उसमें ही वो लग जाएगा, जो भी है तो वो क्लीनिंग नहीं आएगी। पर जो ये वाली मशीन है ना सर, बहुत बेस्ट मशीन है, आप एक बार यूज करिए इसको, जैसा आप हाथ से कपड़े धोते हो ना उस तरीके की धुलाइए इसकी। अच्छा, इसके 2 साल की वारंटी तो है? इसको एक्सटेंड की ओर करा सकते हो, अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। उसका कितना लगेगा? इसका सर मेरे हिसाब से 1178 रुपये लगेंगे 2 ईयर्स के, और एल जी की तरफ से हो जाएगा वो? जी सर। अच्छा ठीक है, कंपनी नहीं बनाती सर, कंपनी नहीं बनाती, नहीं ट्रॉली बनाती, नहीं कवर बनाती, जो कवर बनाती है वो जिस पे रेट लिखा उसी रेट पे है, 499। अगर उसे टब ब्लैक पड़ गया ना, कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अगर इसका वारंटी एक्सटेंड करवाना हो तो आपको फोन करना, कंपनी को फोन करवाना, अभी होगी वो, बाद में नहीं होगी। ये वाली जो वॉशिंग मशीन है हम लोगों ने ऑनलाइन ली है अमेज़ॉन से,
जो पुरानी थी उसके एक्सचेंज में हम लोगों ने ली है। तो ये है हमारी न्यू वॉशिंग मशीन LG की। आप लोगों को कैसी लगी तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना दोस्तों और फैमिली के साथ में। पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। तो चलिए अब इस वीडियो को भी यहीं से हम एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।